हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन। तो स्टूडेंट, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास में आपको कराने वाली हूँ कुछ फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएगा स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे। सो चलिए स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सो अगेन आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द पी वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट रेफर्स। सो देखिए, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो होती है जिसको आप टेस्ट करते हैं। सो एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस होती है आपकी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में ये टेस्टेबल होती है, पी वैल्यू आपको बतानी है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में ये जो पी वैल्यू होती है ये किस चीज को रेफर करती है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एंड आज इस क्लास में आप लोगों को रिसर्च के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो रिसर्च के जो यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं उनके लिए, DSSSB के लिए, UPPGT के लिए, रिसर्च का जो सेक्शन आता है पेपर में वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा इस क्लास को अटेंड करके। सो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में पी वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी के लिए होती है, यानी कि संभावना के लिए होती है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, When every subject has equal chances of being chosen for the study, it is called. आपको बताना है जब प्रत्येक विषय के समान अवसर हो चुने जाने के, अध्ययन के लिए चुने जाने के प्रत्येक विषय के समान अवसर होते हैं वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या बताना है कि वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें हर सब्जेक्ट के इक्वल चांसेस होते हैं चुने जाने के। सो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसमें हम सैम्पलिंग टेक्निक में हर सब्जेक्ट को चुने जाने के इक्वल चांसेस होते हैं, जहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी होती है चुने जाने की, उसको किस नाम से जानते हैं, रेंडमाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि वो रेंडम सैम्पलिंग होती है जहाँ पे सबके चुने जाने के इक्वल चांसेस होते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहीं पे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चुनते हैं तो वहां नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एंड जो आपकी रैंडमाइजेशन है वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है ना। चलिएगा आगे ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, के क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट द आइडियल सैम्पलिंग मेथड इज। आपको बताना है जब समष्टि परिमित हो आदर्श प्रतिचयन विधि क्या होगी। आपका जो सैंपल है वो क्या है, लिमिटेड है। आपको पता है कि सैंपल एक फिक्स है, सीमित है, उस समय पे आपके लिए आइडियल सैंपलिंग मेथड कौन सा रहेगा। ये आपको बताना है कि जब स्टूडेंट आपका जो सैंपल है वो सीमित है, लिमिटेड है, उस टाइम पे आपके लिए कौन सा सैंपलिंग मेथड जो है वो सुटेबल रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे अच्छे से एक बार समझ जाओ कि सीमित सैंपल के साथ बात चल रही है, सो क्वेश्चन का आंसर भी ऑब्वियस सी बात है कि सीमित है, है ना। सीमित के आधार पे आपको बताना है कि जब सीमित है तो आइडियल सैंपल साइज कौन सा रहेगा। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रेंडमाइजेशन के अकॉर्डिंग है, है ना। जो रैंडम सैंपलिंग मेथड होती है उसी के प्रकार होते हैं सिस्टमैटिक एंड स्टर्टिफाइड सैंपलिंग, ठीक है ना। सो आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हमें पता है कि 50 लोग हैं और ये फिक्स है कि 50 लोग हैं, तो हम उनके इजिली ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 10 का एक ग्रुप, 10 का दूसरा ग्रुप, 10 का तीसरा ग्रुप, 10 का चौथा ग्रुप और 10 का पांचवा ग्रुप। या फिर अगर हम इन्हें 25-25 के ग्रुप में बांटना चाहते हैं तो वो भी इजिली बांट सकते हैं, यानी कि फिक्स रहता है अगर आपका सैंपल, सो उसका जो क्लासिफिकेशन है, जो उसको स्टर्टा में बांटना है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखो भाई अच्छे से, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कौन सी होती है, कार्योत्तर अनुसंधान, ये कौन सा अनुसंधान होता है ये आपको बताना है। सो कार्योत्तर अनुसंधान कौन सा अनुसंधान है स्टूडेंट्स, जो कि आपका कब होता है, जब कोई घटना घट चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स पोस्ट। सो एक्स पोस्ट का मतलब क्या है, पोस्ट मतलब बाद में, सो जो घटना घटने के बाद जो आपकी स्टडी की जाती है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं।
सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। जब घटना ऑलरेडी घट चुकी है तो फिर आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ आप उस सिचुएशन को बाद में एनालिसिस कर सकते हो। सो आपके हाथ में किसी भी वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं है एक्स पोस्ट फैक्टो में, यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। एक्शन रिसर्च मींस, आपको बताना है कि एक्शन रिसर्च का क्या अर्थ होता है, क्रियात्मक शोध क्या कहलाता है। ठीक है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, एन अप्लाइड रिसर्च है, ए रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, ए रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आपको बताना है कि एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्शन रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो कि किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए की जाती है, यानी कि अचानक से कोई एकदम से प्रॉब्लम आ गई, कोई सडन प्रॉब्लम आ गई, आपको तुरंत उसका जो समाधान करने के लिए एक्शन अप्लाई करना है, उसी को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई डिजास्टर आया है, सो तुरंत आपको फूड अवेलेबिलिटी करानी है, इसका एग्जाम्पल वो हो सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, डेटा गैदर्ड थ्रू फील्ड वर्क। आपको बताना है कि फील्ड वर्क द्वारा जुटाए गए आंकड़ों को कौन सा आंकड़ा कहा जाता है। भाई आपने ना कुछ डेटा कलेक्ट करा है, आप लोग जानते हो कि डेटा कलेक्शन के दो मेथड होते हैं रिसर्च में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है स्टूडेंट सेकेंडरी, है ना। सो प्राइमरी डेटा को हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, एंड सेकेंडरी डेटा हमारा वो डेटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया है, हम उसको सिर्फ यूज कर रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सो आपको ये ध्यान रखना है कि अब अगर आपने किसी डेटा को फील्ड वर्क के थ्रू कलेक्ट करा है, इसका मतलब आपने उस काम को किया है, आप फील्ड में गए, जाके आपने सर्वे किया, डेटा को कलेक्ट करा, तो ये डेटा कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी डेटा, क्योंकि आप इसके लिए खुद गए, खुद जाके आपने सर्वे किया, तब आपकी फील्ड वर्क के बाद आपको डेटा मिला। सो प्राइमरी डेटा में आपका सारा फर्स्ट हैंड डेटा आता है जो एक यूजर अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करता है, अपने रिसर्च की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करता है, एंड सेकेंडरी डेटा में वो डेटा आता है जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, जस्ट हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ Which of the following is the criterion for a good research question? आपको बताना है कि एक अच्छे research question का, एक अच्छे शोध प्रश्न का क्या एक तरीके से कसौटी क्या होगी, क्या किस चीज पे वो खरा उतरना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है ना, सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन शुड बी लॉन्ग एज यूज कॉम्प्लेक्स टर्म्स, यानी कि जो आपका प्रश्न है वो लंबा होना चाहिए और जटिल शब्दों का उपयोग होना चाहिए। क्वेश्चन शुड आइडेंटिफाई रिसर्च बायस, आपका जो क्वेश्चन है वो अनुसंधान पूर्वाग्रह की पहचान करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी कंटेम्पररी एंड क्वेश्चन शुड कनेक्ट विद एस्टैब्लिश्ड थियरी एंड रिसर्च। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन फॉर अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए दोनों लैंग्वेजेस में कि समकालिक होना चाहिए, प्रश्न स्थापित सिद्धांत और शोध से जुड़े हुए होने चाहिए। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है अगर वो अच्छा है तो वो स्थापित सिद्धांत और शोध से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, स्थापित सिद्धांत और शोध से जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका रिसर्च क्वेश्चन, इफ इट इज अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज डिजाइन। आपको बताना है कि एक क्रॉस सेक्शनल जो आपका क्या होता है, अध्ययन होता है, ठीक है ना, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, आपके होता ना अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, तो आप इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट के जो आपकी एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल स्टडी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट उससे रिलेट करता है। कंपेयर्स टू और मोर वेरिएबल्स लॉन्गिट्यूडनली, कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम मोर देन वन केसेस एट वन मोमेंट इन टाइम, प्रोवाइड्स एन इंटरवेंशन रिसर्चर्स इनटू वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सब लोग आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए भाई।
क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? सब लोग मुझे आंसर करेंगे एंड पूरा क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी देख लीजिएगा। सो मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, बताओ भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स? कैसा होना चाहिए अगर आप एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं? सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी से कौन सा पॉइंट रिलेट करता है यहाँ पे कि एक समय में एक से अधिक मामलों से डेटा एकत्र करना। जब आप एक ही टाइम पे थोड़ा 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 सबके बारे में अध्ययन करते हैं लाइक दिस, है ना? ये दो मैं हमेशा से बताती हूँ तरीके कि जब भी हॉरिजॉन्टल होता है सो ये पैटर्न फॉलो होता है कि कुछ यहाँ जान लिया, कुछ यहाँ जान लिया, कुछ यहाँ जान लिया, कुछ यहाँ जान लिया। पर जब आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है यानी कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है सो फिर एक के बारे में ही गहराई से जाना जाता है। सो जब आप एक के बारे में गहराई से जानते हैं तब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, पर जब आप थोड़ा 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 सबके बारे में जानते हैं तब आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम मोर देन वन केसेस एट वन मोमेंट इन टाइम। एक समय पे एक से ज्यादा केसेस से डेटा एकत्रित करना आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। हेरिडिटी इज सोशल स्ट्रक्चर, अनुवांशिकता सामाजिक संरचना है। कैसी वाली? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडिस्पेंसिबल एंड स्टैटिक, बताइएगा। अपरिहार्य या फिर स्थिर, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन आपके सामने है, जो हेरिडिटी है वो एक कौन सा सोशल स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडिस्पेंसिबल और स्टैटिक, बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट्स एंड मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडिस्पेंसिबल एंड देन स्टैटिक्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? ठीक है, मुझे बताइएगा। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पे कि हेरिडिटी इज अ स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर, जो स्थिर है, जो बदलता नहीं है, है ना? ये क्या है स्टूडेंट? स्टैटिक्स है, ये बदलता नहीं है। एक स्टैटिक का मतलब क्या है कि हेरिडिटी बदलेगी नहीं, वो जैसी है वो वैसे की वैसी रहेगी। आप आने वाली पीढ़ी, इधर पीढ़ी, इधर पीढ़ी, इधर पीढ़ी चेंज करते भी जाओगे तभी भी वो चेंज नहीं होती है। हेरिडिटी फैमिली वाइज चल रही होती है, सो वो स्टेजेस वाइज आपकी बदलती चली जाएगी बट वो पूरी तरह नहीं बदलेगी। मान लीजिए किसी के फादर उनके फादर, फिर जिन जो उनके बच्चे हुए उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सो कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहता है और वो ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है ना, चलिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट एक बार, आपके असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन एम्प्लॉय इज नोन एज, आपको बताना है एक कर्मचारी को एक विशिष्ट पद और उत्तरदायित्व सौंपना क्या कहलाता है। एक कंपनी है, कंपनी में एक कर्मचारी है, एक आपकी मान लीजिए कोई भी ऑफिस है, एक कर्मचारी है, एक एम्प्लॉय है, उसको कुछ रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई रैंक उसको दी गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंपी गई है स्टूडेंट किसी पद के साथ में, इसे क्या कहते हैं? है ना, हमने क्या किया है किसी विशेष पद के साथ में, उसको कुछ विशेष जिम्मेदारियां दी हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। एक बार देख लीजिएगा ऑप्शन ध्यान से, ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, नौकरी, कार्य, नियुक्ति और चयन, क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर? जॉब, टास्क, प्लेसमेंट एंड सिलेक्शन, बताइएगा क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे? सब लोग बताएंगे, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट हम लोग? इसे कहेंगे प्लेसमेंट। ओके, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट इसे? नियुक्ति कहा जाएगा, प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है ना, जॉब इसे नहीं कहेंगे, टास्क इसको नहीं कहेंगे, सिलेक्शन इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे प्लेसमेंट यानी कि नियुक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन बाय, विकासात्मक संचार क्रियाओं के संयोजन को संदर्भित करता है। जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट, पहले तो ये जान लीजिएगा, ये वो कम्युनिकेशन होता है जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के विकास उत्थान में मदद करने वाला होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, जो डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन होता है ये वो कम्युनिकेशन होता है जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के विकास और उत्थान के लिए मदद करने वाला होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो आपका कम्युनिकेशन जो कि रेफर है और कॉम्बिनेशन से तैयार होता है गवर्नमेंट के, डोनर के एंड सिविल सोसाइटी के, उसी को डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सो हमेशा ध्यान रखना कि विकासात्मक संचार वही है जहाँ पे सरकार, दाता और नागरिक समाज
तीनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो आपके सामने है, विच मैथड इज यूज इन क्वालिटेटिव सैम्पलिंग, आपको बताना है गुणात्मक प्रतिचयन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आपको बताना है कि जो एक गुणात्मक प्रतिचयन है उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है, रैंडम डिजिटल डायलिंग, कोटा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम एंड सिंपल रैंडम, बताइए। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हमें गुणात्मक प्रतिचयन करना है हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव हमें चुननी है सैम्पलिंग, ये क्वालिटेटिव मेथड को यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये आपको बताना है स्टूडेंट। एंड जब क्वालिटेटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका सैम्पल साइज छोटा है ना, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल सैंपल साइज के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वालिटेटिव का यूज करते हैं, इसके अपोजिट जब लार्ज सैंपल साइज होती है तब हम किसका यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव का। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा कोटा, ठीक है ना, क्योंकि यही आपका एक क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी का मेथड है, बाकी आपके सारे के सारे प्रोबेबिलिटी के मेथड है, देख लीजिएगा, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिंपल रैंडम, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी में आते हैं, है ना, एंड ये किस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, यही आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहा होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे इस आंसर को ऑप्ट किया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, चलिए देखिएगा आपके सामने है, व्हेन रिसर्च इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इट इज कॉल्ड, आपको बताना है कि जब किसी घटना को अतीत से समझने के लिए शोध किया जाता है तो उसे कौन से अनुसंधान कहा जाता है, यानी कि जब आप किसी अतीत की घटना को समझने के लिए शोध करते हैं तो स्टूडेंट वो कौन सा वाला अनुसंधान कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप किसी पास्ट इवेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उस पास्ट इवेंट के बेसिस पे आप अपने फ्यूचर प्लस अपना जो आपका क्या है वर्तमान है ना, उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसको प्रभावित करता है वो आपकी चीज, या आप उसको सुधारना चाहते हैं या उसमें आप कोई नई स्ट्रेटेजी लागू करना चाहते हैं, उसके लिए आप पास्ट इवेंट को अध्ययन कर रहे हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अतीत की घटनाओं के आधार पे वर्तमान और आपके भविष्य के लिए जो सुधार किए जाते हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजीज को प्लान किया जाता है पुराने इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उसे किस नाम से जाना जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से जाना जाता है। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च का स्टूडेंट जर्नलाइजेशन नहीं हो पाता, कंपैरिजन नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे परिस्थितियां अलग होती हैं और इस टाइम पे परिस्थितियां अलग होती हैं, तो आप आसानी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखो अच्छे से, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर इज नोन एज, आपको बताना है कि एक कलर का लाइट होना और एक कलर का डार्क होना क्या कहलाता है, बताइए स्टूडेंट्स, बताइए भाई सब लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर एक कलर का लाइट होना और एक कलर के डार्क होने की बात चल रही है सो वो क्या कहलाता है ना, एक कलर का लाइट होना एंड एक कलर का डार्क होना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एज यूजुअल जैसे ऑप्शन एग्जाम में दिए होते हैं उन्हीं में से आंसर हमें चूज करना होता है। सो एक कलर के ब्राइट और डल होने के लिए हम इंटेंसिटी का यूज करते हैं, टिंज कुछ होता नहीं है, ह्यू होता है कलर का मान, उसका नाम है ना। सो यहाँ पे आंसर आपको मजबूरी में लगाना पड़ेगा टिंट, क्यों, क्योंकि टिंट क्या होता है, एक कलर का हल्कापन होता है और गहरापन होता है शेड, पर शेड हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, सो हम टिंट को अपना सही आंसर मान लेंगे क्योंकि ये एक रंग का हल्कापन है, ठीक है ना, ये हमें इस आंसर के आधार पे मानना पड़ रहा है, क्योंकि हम टिंट कब बनाते हैं, जब हम व्हाइट मिलाते हैं एक प्योर ह्यू में मिलाते हैं, ठीक है ना। सो कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जहाँ पे आंसर ही आपके गलत होंगे एंड आपको उनसे भी आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिजाइन इंक्लूड्स, आपको बताना है कि इंटीरियर डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। अब दो बात का ध्यान रखना, सेवन होते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन भी कहते हैं, एंड फाइव होते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ठीक है ना।
आपको बताना है कि यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। सो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए जरा एक बार जल्दी से क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिटी, बैलेंस, रिदम, एम्फोसिस, स्केल एंड प्रपोर्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे आपके क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने अभी अच्छे से देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट की, बताइए कौन सा कथन सत्य है आपका इनमें से या असत्य है। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है। पहला कथन दिया गया है, डिसीजन मेकिंग इज वन टाइम प्रोसेस टू सेट अप मेजर फैमिली गोल्स, यानी कि प्रमुख पारिवारिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए निर्णय लेना एक बार की प्रक्रिया है। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन कहता है द कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्टेड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव्स शुड आइडियली सेटिस्फाई ऑल फैमिली मेंबर्स, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है स्टूडेंट कि सभी विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद चुनी गई कार्यवाही को आदर्श रूप से परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है ना, दो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सो यहाँ पे अब हम बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स। देखिए पहला स्टेटमेंट आपका ये कहता है, ठीक है ना, कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक बार यूज की जाती है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव ऐसे चुनने चाहिए जो कि फैमिली को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। सो क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फॉल्स है एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो ट्रू है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, आप कोई भी प्लानिंग क्यों ना कर रहे हो, प्लानिंग आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपके फैमिली मेंबर्स को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक बार होती है। ठीक है ना, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एम्बेडेड इन गारमेंट्स आर नोन एज, परिधानों में एम्बेडेड पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि वेयरेबल गारमेंट जिन्हें तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज किया जाता है वो कौन से गारमेंट्स कहलाते हैं, ये आपको बताना है। मेडिकल टेक्सटाइल, स्मार्ट टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रो टेक्सटाइल, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर बताइए स्टूडेंट। जब आप किसी वियरेबल गारमेंट को तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हेल्प लेते हैं वो आपका कौन सा टेक्निक कहलाता है, मेडिकल, स्मार्ट, जियो एंड इलेक्ट्रो। एंड जियो टेक्सटाइल तो ये हो नहीं सकता क्योंकि जियो टेक्सटाइल में आप सिविल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जियो टेक्सटाइल को तो आप ऑलरेडी इसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको मेडिकल टेक्सटाइल को भी एक्सक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे किसी चिकित्सक या वस्त्र की तो बात चल नहीं रही है, है ना। अब आपके सामने दो ऑप्शन मेंशन है, इनमें से मुझे बताइए कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, इसको हम कहते हैं स्मार्ट टेक्सटाइल, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा सूटने से किस नाम से जाना जाता है, स्मार्ट टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं सूटन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखो, चीनी अल्कोहल है, आपको बताना है शुगर अल्कोहल क्या होते हैं, जीरो कैलोरी, लो कैलोरी, हाई कैलोरी एंड फैट सब्स्टिट्यूट, बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो शुगर अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, जीरो कैलोरीज, लो कैलोरीज एंड हाई कैलोरीज एंड फैट सब्स्टिट्यूट, बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ भाई जल्दी से। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जो शुगर अल्कोहल होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके लो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जो शुगर कैलोरीज होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये वो होते हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी कैलोरीज अपने अंदर रखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पर इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है स्वीटनेस की, यानी कि ये मीठे तो बहुत ज्यादा होते हैं बट इनके अंदर कैलोरीज नहीं होती, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये लो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं जिनके अंदर मिठास तो काफी इंटेंसिटी वाली होती है बट ये कैलोरीज उतनी ज्यादा नहीं रखते हैं, इसलिए इन्हें लो कैलोरी स्वीटनर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छे से देखो,
is an example of page layout program for newspaper. आपको बताना है, यह समाचार पत्रों के लिए पेज लेआउट प्रोग्राम का एक उदाहरण है. तो पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा कि पेज लेआउट प्रोग्राम होते क्या है. स्टूडेंट, जो पेज लेआउट प्रोग्राम होते हैं, ये किसी भी डेस्कटॉप पब्लिकेशन की बैकबोन होते हैं. ठीक है ना, कोई भी आपका जो डेस्कटॉप पब्लिकेशन है उसकी बैकबोन होते हैं. यानी कि ये वो होते हैं जो सारे टेक्स्ट को, सारे ग्राफ्स को असेंबल करने का काम करते हैं, जिससे कि आपका जो पेज का फॉर्मेट है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज पैटर्न में आ जाता है, व्यवस्थित हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे आपके जो ये नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा पेज लेआउट प्रोग्राम इनमें से अवेलेबल है. सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा. Is an example of page layout program. ठीक है ना, ये वो है जो सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ टुगेदर रखने का काम करते हैं, यानी कि असेंबलिंग करके, ऑर्गेनाइज करके टेक्स्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है पेज लेआउट प्रोग्राम. और इनमें से क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्क एक्सप्रेस. ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वार्क एक्सप्रेस. यानी कि जो एक क्वार्क एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर है आपका, ये एक तरीके का पेज लेआउट प्रोग्राम होता है. ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो आपका क्वार्क एक्सप्रेस प्रोग्राम है, जो कि पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, इसको 31 मार्च को सबसे पहले यूज किया गया था 1987 में. ओके, ये ध्यान रखेंगे, इसको 31 मार्च 1987 में सबसे पहले यूज किया गया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है. क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज प्रपोज्ड बाय. आपको बताना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है वो किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी. अब एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि एक होती है आपकी एस एस थियरी, एक होती है एस आर थियरी. तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी ये वाली होती है जो थंडाइक की है, एंड एस एस यानी कि स्टिमुलस जो थियरी है ये आपकी किसकी है स्टूडेंट, ये थियरी है इवन पावलोव की. ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये थियरी किसकी है जिसमें दो स्टिमुलस होते हैं, ये थियरी है इवन पावलोव की, जिसमें एक होता है आपका जैविक आपका उद्दीपक और दूसरा होता है एक आर्टिफिशियल उद्दीपक जिसे क्रिएट किया जाता है. ठीक है ना, जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल भी सुना होगा कि एक बेल लगी होती है, कुत्ते जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसके गले में एक घंटी का वो होता है, जैसे वो घंटी बजती है जो डॉग है वो फूड की तरफ जाके और ज्यादा एक तरीके से मोटिवेट होता है उस फूड को खाने के लिए. है ना, सो वो आपकी जो डबल स्टिमुलस वाली जो थियरी है वही आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी होती है, इवन पावलोव की थियरी है. सो एस एस थियरी ध्यान रखिएगा इवन पावलोव की है, एंड एस आर थियरी थंडाइक की है. ठीक है ना, चलेगा, वो थंडाइक की थियरी है आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा. क्वेश्चन है, द फ्लोर इमीडिएटली अबव द लेवल ऑफ द एडजॉइनिंग ग्राउंड ऑन ऑल द साइड्स और अबव द बेसमेंट फ्लोर इज नोन एज. आपको बताना है, चारों ओर से सटे हुए मैदान के स्तर के ठीक ऊपर या बेसमेंट के ऊपर के तल को हम किस नाम से जानते हैं. बताइए स्टूडेंट, ये फ्लोर कौन सा फ्लोर कहलाता है, जो चारों ओर सटे हुए मैदान के स्तर के ठीक ऊपर आपका जो एक फ्लोर होता है उसे किस नाम से जानते हैं. ये आपको बताना है कि वो फ्लोर कौन सा फ्लोर कहलाता है. आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उसे आप फर्स्ट फ्लोर कहते हो, आप उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हो, आप उसे सेलर कहते हो, या उसे मेजेनाइन मंजिल के नाम से जानते हो. बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा. बताओ भाई क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर. ठीक है जी, बताइएगा. अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट, कि ये जो मेजेनाइन मंजिल है ये कौन सा वाला होता है. ये स्टूडेंट आपका वो इंटरमीडिएट फ्लोर होता है जो कि आपके फर्श और बिल्डिंग के लेवल के बीच में होता है. मान लीजिए एक ये रूम है, ठीक है ना, इस रूम में ये रूम का फर्श हो गया, ये ऊपर की दीवार हो गई, हमने बीच में यहाँ पे ना एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया किसी लकड़ी वकड़ी से और यहाँ पे उसकी सीढ़ियां बना दी ऊपर चढ़ने के लिए. सो ये हमने एक पार्टीशन कर दिया कमरे की दीवार और अपने कमरे की फर्श के बीचों बीच. सो ये हमारा क्या कहलाता है, मेनिनजाइन मंजिल कहलाता है. ठीक है ना, यानी कि मेजेनाइन मंजिल कहलाता है. ठीक है ना, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं, चारों ओर से सटे हुए मैदान के स्तर के ठीक ऊपर बेसमेंट के ऊपर के तल को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हम भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर के नाम से जानते हैं. ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अच्छे से एक बार देखेंगे, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा कि हम इसे किस नाम से जानते हैं. ठीक है, हम इसको जानते हैं स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर के नाम से. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है. ठीक है, चलिए, एंड
यहाँ पे एक चीज क्या है स्टूडेंट, सेलर, ये सेलर वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, बेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, बिलो द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना, जो आपका बेसमेंट होता है जो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे होता है, ठीक है ना, ये बीचों बीच हो गया, ये आपका क्या हो गया ग्राउंड फ्लोर हो गया, एंड ग्राउंड फ्लोर से भी जो नीचे होता है उसे बेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने, एंड ये क्वेश्चन अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, रेगुलर कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन सॉल्यूबल फाइबर लोअर सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल, फाइबर प्रिवेंट्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइट्री फैट्स, बताइए। आपका कोड दिया गया है यहाँ पे, आप पहले हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को कि अजर्शन रीजन क्या क्या कहता है, घुलनशील फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन सीरम ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है। अगर आप रेगुलर क्या करते हैं, सॉल्युबल फाइबर को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी से ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। रीजन कहता है कि फाइबर आहार वसा के पाचन और अवशोषण को रोकता है, ठीक है ना, जो फाइबर आप कंज्यूम करते हैं वो आहार में वसा के पाचन और अवशोषण को रोकने का काम करता है। एक बार इसके कोड देख लीजिए स्टूडेंट्स के कोड क्या क्या दिए गए हैं, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर स्टूडेंट, कि भाई अगर आप रेगुलर डाइट में फाइबर रिच चीजें ले रहे हो, सॉल्युबल फाइबर ले रहे हो, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में। एंड क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो फैट के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को रोकता है फाइबर, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ये सही स्पष्टीकरण है, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ये आपका सही स्पष्टीकरण दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगेन अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं, फाइबर कंटेनिंग प्रोटीन आर डैमेज बाय मोथ्स एंड कार्पेट बेटल्स, यानी कि जो फाइबर है प्रोटीन रिच फाइबर होते हैं वो आपके जो मोथ्स होते हैं यानी कि कीड़े पतंगे होते हैं उनसे बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। रीजन कहता है मोथ बॉल्स गिव ऑफ ऑर्डर That repels the moths and prevents the deposit of eggs, यानी कि जो moth balls आती हैं, ठीक है ना, जो कि आपके क्या होती हैं, हम कपड़ों में रखते हैं ऊनी कपड़ों में, जो वो balls आती हैं वो क्या होती हैं, गंध छोड़ती हैं, जो कि पतंगों को पीछे हटाती हैं और अंडों को जमा होने से रोकती हैं। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, पहले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है, अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि प्रोटीन रिच फाइबर जो होते हैं वो कीट पतंगों से जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एंड इसका एक रीजन क्या कहता है कि अगर आप मोथ बॉल्स को रखते हैं, ठीक है ना, सो क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका डैमेज बाय मोथ बॉल्स, मोथ बॉल्स क्या होती है, देखो कीट पतंगों से नष्ट होते हैं, एंड जो मोथ बॉल्स होती हैं वो गंध छोड़ती हैं, जो पतंगों को पीछे हटाती हैं और अंडों को जमा होने से रोकती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, बताइए सब लोग बताएंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइबर कंटेनिंग प्रोटीन आर डैमेज बाय मोथ्स एंड कार्पेट बेटल्स and then moth balls give off odor that repels the moth and prevents the deposit of eggs. अब एक बार कोड देख लीजिएगा अच्छे से कि यहाँ पे आपका आंसर क्या बन सकता है, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखो भाई अब ये बात तो सच है कि जो प्रोटीन वाले फाइबर हैं वो जल्दी आपके नष्ट तो होते हैं कीट पतंगों के द्वारा, ठीक है ना, एंड सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है कि वो गंध छोड़ती हैं, उनमें स्मेल होती है जिसकी वजह से अंडों को वो जमने नहीं देती और कीट पतंगों को पीछे हटाती हैं। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ए और आर दोनों सही है, ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है, अगेन अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, इवेल्युएशन इज एन असेंशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर अडॉप्शन ऑफ एन आइडिया, आपको बताना है कि किसी विचार को अपनाने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में मूल्यांकन एक आवश्यक चरण होता है, कि भाई आपको अगर कोई विचार को अपनाना है, कोई आपको क्या करना है स्टूडेंट, नया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको करना है किसी आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए, सो आपके लिए इवेल्युएशन सबसे इंपॉर्टेंट है,
है ना। इवेल्युएशन इज नेसेसरी टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इंडिकेट द प्रोग्राम्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। और इवेल्युएशन किस चीज में मदद करता है स्टूडेंट, उद्देश्यों की उपलब्धियों की सीमा को मापने और कार्यक्रम को मजबूत और कमजोर बिंदुओं को इंगित करने के लिए मूल्यांकन आपकी मदद करता है। इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण बताया गया है। और क्यों बताया गया है, क्योंकि उससे आपको अपने प्रोग्राम के वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट और उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है और आप आने वाली अपनी स्ट्रेटेजी को सुधार पाते हैं। तो इन दोनों में से आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत, ये आपको यहाँ पे चुनना है। सो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है, अब आपके सामने कूट है, कूट को देखिएगा अच्छे से और मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे स्टूडेंट, के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं स्टूडेंट, सही हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हो इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट भी है और इवेल्युएशन भी यही करता है ना कि वो हमें हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हमारे वीक पॉइंट जो होते हैं वो हमें बताता है, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से देखो। क्वेश्चन है सॉर्ट एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ, आपको जो सॉर्ट एनालिसिस है जो कि प्रोग्राम इवेल्युएशन की टेक्निक होती है, आपको बताना है कि सॉर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। बताइए स्टूडेंट के सॉर्ट एनालिसिस की फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या होती है स्टूडेंट, एक तरीके की प्रोग्राम इवेल्युएशन की टेक्निक होती है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सेल्स वीकनेस ऑक्यूपेशन एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑक्यूपेशन एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका वीकनेस। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। जो सॉर्ट एनालिसिस है ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का आपका एक टूल होता है, जिससे आप क्या जान पाते हो कि आपकी, चलिए वो भी मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप आंसर बता देंगे कि क्या आपको हिंट मिलेगा इससे। एंड जो सॉर्ट एनालिसिस है ये आपका जो उद्यमिता विकास है उसका आपका ये एक टॉपिक है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है आपका, वहां से आपका ये क्वेश्चन है। और मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताइए स्टूडेंट्स जो सॉर्ट एनालिसिस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, यानी कि जब कोई प्रोजेक्ट में अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, अपने जो अवसर है और अपने जो किस पे काम करता है स्टूडेंट, थ्रेट्स पे, यानी कि खतरों पे काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, सॉट एनालिसिस कहते हैं। कि एक ऐसा एनालिसिस जो आपकी इन चारों चीजों को जानने में आपकी मदद करता है जब आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अगेन अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिग्निटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड क्वालिटी। रीजन कहता है द की मैसेज ऑफ द UDHR आर दैट ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इक्वल। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, रीजन क्या कहता है, द की मैसेज ऑफ द UDHR आर दैट ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इक्वल, इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिविजिबल एंड इनेलेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एंड यहाँ पे जो UDHR है इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ कि UDHR की फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन करके बता दूंगी, सो आप लोग उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड ये एक तरीके का क्या है स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट है। ओके, जो ये UDHR है इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देखिएगा कि मानव अधिकार गरिमा न्याय सम्मान और समानता के मूल्यों पर आधारित है। कारण दिया गया है कि UDHR के प्रमुख संदेश यह है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक सम्मान अन्योन्याश्रित एंड अविभाज्य और अविच्छेद्य है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से हिंदी में।
फिर आपको बताना है कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। ए और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, और ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, बताओ भाई जल्दी से। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी कि दोनों ए और आर सही हैं, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। आपके पास मैच द फॉलोइंग वाला ये ऑप्शन है, आपको मैच करना है। एक तरफ आपके दिए गए हैं कुछ नेम जिसमें आपके हार्मोन के नेम है एंड एंजाइम के नेम है, यानी कि आपका ये और ये दोनों हार्मोन है, ये और ये दोनों क्या है स्टूडेंट आपका, ध्यान से देख लीजिएगा, ये तीनों आपके दिए गए हैं हार्मोन 1, 2 एंड 3। ये दिया गया है स्टूडेंट आपका एंजाइम, आपको इनके फंक्शन से इनको मैच करना है। सो बताइए मुझे क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से और बताइए मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपके सामने दिए गए हैं स्टूडेंट ऑप्शन, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लीजिए अच्छे से एंड मुझे बताइएगा कि इनके फंक्शंस को आप कैसे मैच करेंगे। एल्डोस्टेरोन, ग्लूकेगॉन, एस्ट्रोजेन एंड रेनिन, बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। कूट अच्छे से देख लीजिए एक बार, आप पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको कूट दिखा दूंगी और आप मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार कूट देख लीजिएगा अच्छे से, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताइए स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, जो एल्डोस्टेरोन आपके सामने हार्मोन दिया गया है, एक बार अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट कि जो आपका हार्मोन दिया गया है एल्डोस्टेरोन, उसका काम क्या होता है स्टूडेंट, चलिए एक बार ध्यान से देखिए, आपको बताती हूँ, समझिए इसे अच्छे से। एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि क्या करेगा स्टूडेंट, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और द्रव संतुलन को नियंत्रित करने का काम करेगा। जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। एल्डोस आपका जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है स्टूडेंट, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। और रेनिन एंजाइम क्या करता है स्टूडेंट, रक्तचाप नियंत्रण में सहायता करता है। सो बेसिकली ये और ये आपके क्या है हार्मोन है और ये क्या है एंजाइम है, और इनके फंक्शंस आप देख सकते हो। एक बार आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इनके मैच आपको इंग्लिश में भी लगा के दिखा देती हूँ। एल्डोस्टेरोन आपका क्या काम करता है, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकेगॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड ओस्ट्रोजन क्या करेगा स्टूडेंट, जो ईस्ट्रोजन है वो आपकी मेंसुरेशन साइकिल को रेगुलेट करेगा, रेनिन आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। अगेन आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्या करना है, कोड बनाना है, मैच करना है। सेल्यूलोजिक फाइबर आपको बताना है इनमें से कौन सा है, प्रोटीन फाइबर आपको बताना है इनमें से कौन सा है, मिनरल फाइबर बताना है आपको इनमें से कौन सा है, और आर्मेड फाइबर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं नोमैक्स, ग्लास, अल्पका एंड विस्कस रेयॉन, बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट। सब लोग मुझे बताएंगे अच्छे से कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए स्टूडेंट्स। सेल्यूलोजिक फाइबर, प्रोटीन फाइबर, मिनरल फाइबर एंड आर्मेड फाइबर आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नया नेम देखने के लिए मिल रहा है, नोमैक्स। अब ये नोमैक्स क्या होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी कि आपका पॉलीमाइड होता है, एक तरीके का मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर होता है जो आपका नोमैक्स होता है। ठीक है, चलिए अब आपको आंसर पहचानना है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्यूलोजिक फाइबर इनमें से कौन सा होगा, विस्कस रेयॉन। ठीक है, प्रोटीन फाइबर कौन सा बनेगा स्टूडेंट, अल्पका। एंड खनिज रेशा कौन सा बनेगा, कांच।
एंड एरामिड फाइबर क्या बनेगा? नोमैक्स। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे सही कूट हो जाएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेंगे। सेल्यूलोजिक आपका विस्कस रेयॉन है, प्रोटीन आपका अल्पका है, मिनरल फाइबर ग्लास है, एंड एरामिड फाइबर नोमैक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी बार यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, एंड नया नाम है नोमैक्स, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, द सोशियो कल्चर एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज, स्त्री या पुरुष होने का सामाजिक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम क्या कहलाता है? बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? आपको बताना है कि द सोशियो कल्चर एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज, जेंडर, सेक्स, जेंडर रोल एंड जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यानी कि ये बताना कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि स्त्रीत्व और पुरुष तत्व के बारे में जो स्पेसिफिक बताना क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेंडर, ऑप्शन नंबर ए। सो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आज का होमवर्क क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको बताना है कि जो विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्र भर्ती है, वो निम्नलिखित में से किस पद्धति के घटक होते हैं? तो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के मुझे जरूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, लिख के लाइक शेयर कीजिएगा। और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे @homesignjunction एंड फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, प्लस मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर।